जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक स्वागत करुच्ची टॉप लेटेस्ट न्यूज सीरीज को जोठी कि आपण माने प्रतिदिन रो केवल बछा बछा बड़ ब्रेकिंग न्यूज रो खबर रखि परिबे। वीडियो भल लागिले समस्त को पक्क को शेयर करबा सहित वीडियो टी को छोटिया लाइक के दबा पई भूलिबेनी। जो भाई माने जो संग माने आज नुवा करी चैनल को आसीथिबे वीडियो तळे थिबा नाली रंग रो छोटिया सब्सक्राइब बटन थिबो ताकू टच करले चैनल टी सब्सक्राइब हे जिवो। पाखरे गोटे घंटी बा बेल रो आइकन आसीबो ताकू मध्य दबै कि ऑल करी देले प्रतिदिन सबुठ बड़ ब्रेकिंग न्यूज आपण मान पाखे जाई पहुंची जीवो। डेरी न करी आरंभ करिबा। जय जगन्नाथ। नंबर 1 भारत रे मिलिला कोरोना रा आउ एक वेरिएंट पुणी बढ़िला चिंता। भारत रे होइचे सृष्टि करितबा कोरोना वायरस रो डेल्टा वेरिएंट पुणी थरे तार रूप बदलाइछि। एही नुआ वेरिएंट B.1.617.2.1 जहाकू साधारण भाषा रे AY.1 नाम रे नामित करा जाइछि। एही वेरिएंट वर्तमान धीरे धीरे भारत समेत अन्य देश मानकरे मध्य व्यापीबारे लागिछि। CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology रो वैज्ञानिक माने कहचंती जे AY.1 वेरिएंट ह्यूमन ठारू लुचिबार गुण रहिछि। एहा शरीर रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया टीका एवं एंटीबॉडी थेरापी को रोकी आंशिक किंबा संपूर्ण रूप रे रोग सृष्टि करि परिबो। एपर्यंत पृथ्वी रे एही वेरिएंट रो 156 नमूना सामना को आसीछि। एहार प्रथम नमूना मार्च मास रे यूरोप रे मिलिथिला। भारत रे एहार प्रथम मामला एप्रिल रे चिन्हट होइथिला। जेसेड रे अपलोड होइथिबा तथ्य अनुसार वर्तमान पर्यंत भारत में 8 नमूना मिली। भारत में मिली नमूना मध्य 3 तमिलनाडु एवं ओडिशा, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र गोटे लेखाएं नमूना मिली। भाइरस स्पाइक प्रोटीन AY.1 रे एही परिवर्तन को K417N भाव में चिन्हट करा जाइछि। एही परिवर्तन ब्राजिल रे मिलुथिबा बीटा वेरिएंट रे मध्य मिलिछि। नंबर 2 लॉकडाउन आंशिक उठिला। 17 जिल्ला रे सकाळ 6 रु संध्या 5, 13 जिल्ला रे सकाळ 6 रु दिन गोटाए जाय दुकान बाजार खोला। जारी रहिबो सप्ताहांत शटडाउन और रात्रि कर्फ्यू। शेष होला लॉकडाउन। आज आरंभ हेबो अनलॉक प्रक्रिया, किंतु मानिबाकू पड़िबो कोरोना कटकणा। रेड जोन ले थिबा जिला को छाड़ी अन्य समस्त जिला को अनलॉक करिसेंती राज्य सरकार। जुलाई 1 पर्यंत आंशिक लॉकडाउन जारी रहिबो। ए नै मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र सूचना दैछंती। मुख्य शासन सचिव कहिसेंती जे राज्य रे समस्त जिल्ला रे 17 जून सकाळ 5 टारु 1 जुलाई सकाळ 5 टा पर्यंत आंशिक लॉकडाउन जारी रहिबो। लॉकडाउन समय रे कम संक्रमण हार थिबा 17 टी जिल्ला रे सकाळ 6 रु संध्या 5 टा पर्यंत एवं 13 जिल्ला रे सकाळ 6 टारु मध्याह्न गोटाए पर्यंत अत्यावश्यक सामग्री पई दुकान खोला रहिबो। जुलाई 1 सकाळ पर्यंत राज्य रे आंशिक लॉकडाउन जारी रहिबो। एही समय रे कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवा पई कोनोसी कटकणा जारी करा जाई नाही। पूर्व परि एहा चालू रहिबो। नंबर 3 देश रे आज थारु बाध्यतामूलक हेला हॉलमार्क सुना। प्रथम पर्याय रे 256 जिल्ला रे लागू हेबा नै सूचना। देश रे आज थारु सुना गहना और अन्य सुना सामग्री उपरे हॉलमार्किंग को बाध्यतामूलक करा जाईछि। गतकाली केंद्र खाउटी व्यापार मंत्रालय पक्षर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ए संपर्क में घोषणा करा जाइथिला। प्रारंभिक पर्याय रे देश रे 256 जिल्ला रे ही नियम लागू हेबो ओ परे पर्याय क्रमे एहाकू सारा देश रे लागू करा जिवो। तेबे केतेक क्षेत्र रे ही नियम को कोहळ करा जाइछि। वार्षिक 40 लाख पर्यंत कारबार थिबा ज्वेलरी मानकू एथिरु बाद दिया जाइछि। आउरी मध्य उत्पादक ओ होलसेलर मानकू अधिक समय देबा पई आसंता अगस्त शेष पर्यंत सेमानक ठारू कोनोसी जरिमाना आदाय हेबो नाही। एही समय मध्यरो उत्पादक होलसेलर माने निजर गच्छित सुना अलंकार और सामग्री उपरे हॉलमार्क चिन्ह लगाई परिबे। हॉलमार्क हेउची सुना शुद्ध तार मापकाठी। एहा द्वारा आपण जेउठारू किनंतु बा जेउठारे बिकंतु आपणको कोनोसे असुविधा रे सम्मुखीन हेबाको पड़िबो नाही। सुना गहना बा सुना सामग्री 14, 18 और 22 कैरेट रे हॉलमार्क सह मिलिबो। एहा सहित 20, 23 और 24 कैरेट रे मध्य हॉलमार्क रहि परिबो। नंबर 4 कांछांड सिलेबस रे 10वा पाठपढ़ा स्थिति को देखि अगस्त रे परवर्ती निष्पत्ति। 27 दिन रे 108 टी यूट्यूब क्लास। 2021-22 शिक्षा वर्ष पाठपढ़ा एपर्यंत आरंभ होई पारि नाही। 3 मास बीती जाइतिले मध्य क्लासरूम पाठपढ़ा होई पारिनी। जोपाई आसंता 21 तारीख रु यूट्यूब रे नवम और 10 श्रेणी पिलांक पाठपढ़ा हेबो। प्रथम पर्याय रे जुलाई 31 पर्यंत यूट्यूब रे शिक्षादान लागि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु ब्लूप्रिंट प्रस्तुत होइछि। 40 दिन मधुरु 27 दिन यूट्यूब रे पाठपढ़ा चलिबो। प्रतिदिन 4टी लेखाएं पीरियड हेबो। 2020-21 शिक्षा वर्ष रे कांछांड होइथिबा सिलेबस अनुसार 10 श्रेणी पिलांक पाठपढ़ा हेबो बोली धार्य होइछि। स्थिति को देखि आसंता अगस्त मास रे परवर्ती निष्पत्ति निया जिवो बोली गणशिक्षा विभाग रो जने वरिष्ठ अधिकारी कहचंती। सूचना अनुजाई अनलक शिक्षादान उपलब्ध थिबा विद्यालय गुड़िकरे पाठपढ़ा इतिमध्ये आरंभ होईछि। केतेक सरकारी विद्यालय समेत सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद शिक्षा केन्द्र, अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र परि घरोई स्कूल गुड़िक दशम श्रेणी छात्र छात्री पाठपढ़ा आरंभ करि दैछन्ति। प्रतिदिन 3 ରୁ 4ଟି क्लास करी पिलांकु शिक्षा देउछन्ति। तबे सिलेबस संपर्क में गणशिक्षा विभाग किंबा माध्यमिक शिक्षा परिषद कोनोसी स्पष्ट सूचना देई नथिबारु समस्ते द्वंद्वरे पड़िथिले। केतेक विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री विचारपति भावे पूर्णांग सिलेबस अनुजाई प्रथम विषय पाठपढ़ा आरंभ कर पिला व्हाट्सएप ग्रुप को डॉक्यूमेंट पठाउछन्ति। आउ केतेक स्कूल कर्तृपक्ष 2020-21 शिक्षा वर्ष सिलेबस आधार में पढ़ाउछन्ति। नंबर 5 आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा संभावना। 10 जिला को येलो वार्निंग। सारा राज्य में सक्रिय रही मौसुमी। गत 15 दिन में राज्य में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा रेकर्ड होइछि। जून 1 ରୁ 15 तारीख मध्य राज्य में हाराहारी 102.3 मिमी वर्षा रेकर्ड होइछि। अवधि मध्य राज्य में स्वाभाविक भाव 77.2 मिमी वर्षा होता है। आसंता 3 दिन जाए लगी मध्यम धरणर वर्षा। तेबे उत्तर ओडिशा रे वर्षार परिमाण टिके अधिक रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। मौसुमी प्रभाव रे गत 15 दिन रे राज्य रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होइछि। आसंता 24 घंटा पई 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, मयूरभंज जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। सेभळी 18 तारीखर सुंदरगढ़, केन्दुझर, देवगढ़, अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बरगढ़ आदि जिले में वर्षा और किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबो बोली केन्द्र पक्षर कहुई। तेणु यही 3 दिन येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एपटे राजधानी भुवनेश्वर में गतकाली पाग मेघुआ रही। केतेक स्थान में सकाळु झिपझिप वर्षा होइछि। नंबर 6 नुआ आईटी नियम पालन करिनथिबारु ट्विटर उपर सरकारक बड़ एक्शन। भारत में आईनगत सुरक्षा हराइला ट्विटर। भारत में नुआ आईटी नियम पालन न करिबा पई ट्विटर पई महंगा पड़िछि। नुआ नियम पालन करिनथिबारु भारत में आईनगत सुरक्षा हराइछि ट्विटर। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार 25 मे रु लागू होइतिबा नुआ आईटी नियम को ट्विटर पालन करिनाही। एहा परे ट्विटर विरोध में एभली पदक्षेप निया जाइछि। आईनगत सुरक्षा हराइबा परे वर्तमान आईपीसीआर धारा अनुसार ट्विटर उपरे मामला रुजु होई परिबो ओ पुलिस पचरा उचरा भी करि परिबो। ट्विटर उपरे एही पदक्षेप सही समय निया जाइछि जेतेबेले एक भाइराल वीडियो मामला रे ट्विटर विरोध में यूपी रो गाजियाबाद रे पुलिस मामला रुजु करिछि। वर्तमान आईनगत सुरक्षा हराइबा परे ट्विटर उपरे आईनगत कार्यानुष्ठान भी निया जाई पारे। नंबर 7 द्वादश परीक्षा फलर मानदंड तैयारी कला सीबीएसई। द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मूल्यांकन केउ आधार रे हेबो से नै एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट निकट रे दाखल करिबो सीबीएसई। गुरुवार आगत हेबाकु थिबा ई रिपोर्ट उपरे आईसीएसई एवं अन्य राज्य बोर्ड मध्य नजर रखिचंती। कोविड-19 संक्रमण पई सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल करिछि। परे अनेक राज्य बोर्ड मध्य द्वादश परीक्षा को बातिल करिचंती। एबे मूल्यांकन पई सीबीएसई एक 13 जणिया कमिटी गठन करिछि। एही मानदंड आधार रे द्वादश श्रेणी छात्र छात्री परीक्षा फल प्रकाश पाइबो। सीबीएसई मापदंड सार्वजनिक करिबा परे अन्य बोर्ड मध्य परीक्षा फल घोषणा करिवे बोली जना पड़िछि। अन्य पटे आईसीएसई बोर्ड गतकाल स्पष्ट करिछि जुलाई 20 सुधा द्वादश श्रेणी छात्र छात्री परीक्षा फल प्रकाश करिवो। जदियो केउ आधार रे मानदंड रहिबा स्पष्ट होइनी तेबे टाइम्स ऑफ इंडिया रो रिपोर्ट अनुसार सरकारी भाव में छात्र छात्री दशम एकादश श्रेणी मोट मार्कर 30% एवं द्वादश श्रेणी प्री बोर्ड परीक्षा रे परीक्षा फलाफल उपरे 40% मार्क मिसा जाई चूड़ांत परीक्षा फल निर्धारण करा जाई पारे। जड़े प्रिंसिपाल मतामत को आधार करी यह रिपोर्ट प्रकाश पाई। प्रिंसिपाल जनक सीबीएसई 13 जणिया कमिटी को समान परामर्श देथिबा सूचना रही। नंबर 8 मोबाइल ग्राहकों पर खुशी खबर। एयरटेल परे मुंबई रे जियो आरंभ कला 5G सेवा। मिलुछि आश्चर्य करदेबा भली स्पीड। देश में 5G सेवा जोगाई देबा को मोबाइल नेटवर्क कंपनी माने काम आरंभ कर दैछन्ती। एनई टेलीकॉम कंपनी माने परीक्षा करिबारे लागिछन्ती। किछि दिन तळे भारत एयरटेल कंपनी गुरुग्राम रे 5G सेवा आरंभ करिथिला। एथिरे डाउनलोड स्पीड 1 Gbps पर्यंत देखा दैथिला। एबे मुंबई रे भी जियो पक्षरु 5G सेवा आरंभ होइछि। 5G परीक्षा पाई जियो देश में डेभलप करा जाइथिबा 5G उपकरण और टेक्नोलोजी व्यवहार करिछि। एहा सह जियो, सैमसंग, एडिसन और नोकिया भरी कंपनी मानक सह आलोचना जारी रखिछि कारण आगामी दिन में अन्य शहर मानकरे जेभली 5G परीक्षण आरंभ करा जाई परिबो। नंबर 9 बिना भक्तरे देवस्नान पूर्णिमा जुलाई 25 जाए श्रद्धालुक पाई बंद रहइबो श्रीमंदिर। आउ एक सप्ताह परे श्रीक्षेत्र रे श्रीजीउक पवित्र देवस्नान पूर्णिमा अनुष्ठित हेबो। महाप्रभु 108 गरा पानी रे गाधोइबे। किंतु महाभावक एही अपूर्व दृश्य दृश्य देखा जापरें साधारण भक्त कोरोना भाइरस महामारी जो गत वर्ष भली चलित थर बिना भक्त श्रीजी देवस्नान पूर्णिमा कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। गतकाली श्रीमंदिर प्रशासक कृष्ण कुमार अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। बैठक में होइतिबा निष्पत्ति अनुसार आसंता जुलाई मास 25 तारीख जाए भक्तों लगी श्रीमंदिर बंद रहिबो। सेते दिन पर्यंत भक्त माने श्रीमंदिर को प्रवेश करी कालिया ठाकुर को दर्शन करि परिबे नाही। रथयात्रा परे श्रीमंदिर खोलिबा नै निष्पत्ति नियाଯିबो। सूचना योग्य आसंता जुलाई 12 तारीख रे श्रीक्षेत्र रे पवित्र रथयात्रा अनुष्ठित हेबो। राज्यर अन्य कौनसी स्थान में रथयात्रा हो पारिबो नाही बोली पूर्व राज्य सरकार घोषणा कर सारिचंती। अन्य जगन्नाथ मंदिर भितर केवल रथयात्रा नीति अनुष्ठित हेबो। नंबर 10 ट्विटर पर एवं इंस्टाग्राम उपर कार्यानुष्ठान प्रस्तुत होउचंती सरकार। जून 18 रे एने बसिब संसदीय समिति बैठक। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एवं फोटो वीडियो नेट शॉकिंग साइट इंस्टाग्राम भी जांच परिसर को आसीछि। दिल्ली पुलिस रे स्पेशल टीम इंस्टाग्राम विरुद्ध रे मामला दखल करिछि। किछि दिन हेबो इंस्टाग्राम उपर धार्मिक उन्मादना ओ सांप्रदायिक हिंसा को उस्काइबा भली अभियोग आसुछि। एने मंगलवार दिन मामला दाखल होईछि। एही अभियोग रे धारा 153 एक कथा भी कहै जाईछि। मामला दाखल हेबा पर स्पेशल सेलर टीम खूब शीघ्र नोटिस पठाई इंस्टाग्राम अकाउंट सहित जोड़ी होईथिबा अधिकारी मानकर बयान दाखल करिवो। या पर एही मामला उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। गतकाली केंद्र सरकारक द्वारा सोशल मीडिया रे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर उपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाईछि। केंद्र सरकार ट्विटर को आईनगत सुरक्षा रु बाद दैछंती। एबे सोशल मीडिया उपर देश विरोध गतिविधि धार्मिक हिंसा को उस्काइबा भली संगीन अभियोग आसुछि। ए नै राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश रे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपर मामला रुजु होईछि। ए सब को नजर रखी जून 8 तारीख दिन संसदीय समिति रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो। एही बैठक रे सोशल मीडिया अपव्यवहार को रोकिबा को सोशल मीडिया साइट उपरे किभली प्रतिबंधक लगा जाई पारिबो ओ से नै आईनगत कार्यानुष्ठान को दृढ़ करबा नै आलोचना हेबो बोली कहा जाईछि।